रामपुर शाहबाद मऊ शून्य अमीर अली में पंडित वेद प्रकाश शर्मा के आवास पर राष्ट्रीय गौरक्षा सेवा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। पत्रकारों को सम्मानित किया शाहबाद के वेद प्रकाश शर्मा प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय गौरक्षा सेवा समिति के यहाँ राष्ट्रीय गौरक्षा सेवा समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सोम आनंद सरस्वती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय गौरक्षा सेवा समिति मौजूद रहे, जिसमें सभी पत्रकार बंधुओं को सम्मानित किया गया एवं कार्यक्रम में अन्य लोगों ने भी भाग लिया, जिसमें दीपक भारद्वाज, हरिओम विकल, विनोद गुप्ता, विजय शर्मा, अंकित गुप्ता, राजीव भटनागर, सिफत मिया, शाहनवाज अली, निशांत भारद्वाज, सादिक हुसैन। देखिए इस समय गोरक्षा समिति की आज बैठक हुई है। परम पूज्य स्वामी सोमागिरि जी महाराज हमारे बीच बैठे हैं और आज उनके संरक्षण में बैठक हुई है। वो हमारे मुख्य अतिथि हैं। पूरे देश में गोरक्षा के ऊपर बड़ा जोर शोर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जगह जगह बड़ा प्रचार है कि हम गौ रक्षा के लिए कर रहे हैं, गौओं की सेवा कर रहे हैं, गौओं के लिए हम ये कर रहे हैं, गौओं के लिए हम वो कर रहे हैं। इस संबंध में हमारा कहना है कि सरकार जो कुछ कर रही है वो ढोल झाला बजा रही है और मौके पर कम हो रहा है। दूसरी बात यह है कि इस समय खुलेआम, पहले तो गाय कटती थी तो खुलेआम कटती थी, लेकिन आज दुक्का चोरी है और शासन की सख्ती है, उसके बाद भी गौ हत्या बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, जो बहुत ही निंदनीय है और अशोभनीय है। मेरा इस संबंध में कहना है, जैसे हमारा रामपुर जनपद है, रामपुर जनपद में भी शाहबाद के अंदर गौ हत्या बहुत बड़े स्तर पर हो रही है और रामपुर ज़िले में रोज़ाना हम अखबारों में देखते हैं कि आज फलाई जगह गौ का मांस पकड़ा गया, आज फलाई जगह गौ तस्कर पकड़े गए, आज फलाई जगह गौ हत्या करते हुए पकड़े गए, जो कि बहुत ही गलत और निंदनीय है। और मेरा प्रशासन से कहना है कि प्रशासन की कमी से, प्रशासन की ढील से, प्रशासन की मिलीभगत से, समाजवादी पार्टी के उन गुंडों की वजह से हमारे ज़िले में गौ हत्या हो रही है, जिसे हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशासन के लोग सुन लें कि अगर गौ हत्या बंद नहीं हुई और इस तरह से दुबका चोरी गौ हत्या होती रही तो हमें सड़क पर उतर कर उनका विरोध करना पड़ेगा, जो उसका जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। रामपुर जनपद में अभी शाहबाद में एक प्रकरण हुआ था जिसमें समाजवादी के नेताओं की भूमिका अहम थी, वही गौ हत्या कराते हैं और वही पकड़वाते हैं और उसके बाद जो 8 दिन 4 दिन काम कर लेते हैं उन्हीं को बंद करा देते हैं, झूठे फर्जी लोगों को, जो नहीं होना चाहिए। गौ हत्या के नाम पर लोगों को उत्पीड़न किया जा रहा है, वो भी गलत है। उससे हमारे हिंदुओं की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसे बदनाम करने की साजिश की जा रही है। हमारा कहना है कि जो गौ हत्या करते हैं, जो गौ तस्कर हैं और जो दलाल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मेरा एक बार और कहना है कि शासन ने गौ हत्या के ऊपर जो एक प्रस्ताव पास किया उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कि हम उन्हें 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए जुर्माना करेंगे और उन्हें सजा करेंगे, उन्हें जेल भेजेंगे। साली हमारा कहना है कि गौ हत्या करने वालों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उन पर मुकदमा 302 का लगना चाहिए और उनकी फास्ट अदालत से उनकी निर्णय होना चाहिए और उन्हें फांसी रकम की कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। ये हमारा निवेदन है कि सरकार ये प्रस्ताव पास करे कि जो गौ हत्या करेगा, जो गौ तस्करी करेगा और जो उस पर 302 का मुकदमा चलेगा और गौ हत्या करने वालों को फांसी की सज़ा होगी। बताइए मंगल जी। आज नगर शाहबाद में जनपद रामपुर गौरक्षा सेवा समिति के उपलक्ष्य में गौ माताओं के लिए एक विशेष बैठक पंडित वेद प्रकाश शर्मा जी के श्रीनिवास पर बुलाई गई है। बैठक में विशेष गौ माता का विषय है कि जो हमारी गौ माता की दुर्दशा देश में हो रही है, सरकार के करने के बावजूद भी सरकार का जो संदेश है, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार, आदित्य योगी नाथ जी की सरकार, गौ माताओं के लिए विशेष कार्यक्रम के अनुसार ज़िले में, प्रत्येक ज़िले में 4 गौशालाएँ दे रही है, लेकिन फिर भी गौ माताओं का सुचारू रूप से व्यवस्था उन गौशालाओं में नहीं हो पा रही है।
उसके संदर्भ में हमने ये बैठक बुलाई है कि प्रदेश में भ्रमण करके गौमाताओं के लिए विशेष रूप से जो गौशालाएँ चल रही हैं उनमें विशेष व्यवस्था जनसंपर्क करके कराई जाए और अन्य सरकार से भूमि लेकर और अन्य गौशालाएँ प्रदेश में बनवाई जाएं। खास करके यहाँ मैं देख रहा हूँ, कई बार आया हूँ रामपुर शाहबाद में, शाहबाद की हालत बहुत गंभीर है। यहाँ पर रोड पे गौमाताएँ हैं मैं देख रहा हूँ, और आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं और गंगा की खादर से लोग उनको पकड़ के ले जाते हैं, और जिसको ले जाते हैं वो गायब हो जाती हैं। गौवंश पता नहीं कहाँ जाती हैं, कहाँ नहीं जाती हैं, उनका सरेआम कत्ल किया जा रहा है। इस विषय में मैं शासन प्रशासन से सख्ताई से कह रहा हूँ कि इसमें कानूनी कार्रवाई की जाए उन लोगों के खिलाफ़, और एक अभियान चलाया जाए शाहबाद में।